हेलो, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन एक्चुअली विच यू गिवन। सो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तुमने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऐसे करना है इस क्वेश्चन को कि देखो ये 50 वोल्ट का सबसे पहले क्वेश्चन इनको ये मेंशन करना चाहिए था कि ये एक बेसिकली 50 sin ωt के फॉर्म पर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये AC क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो होगी वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक। तो अब देखो है क्या, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है और ये L है ना। तो देखो पावर अक्रॉस इसके दिया हुआ है 5 ओम के क्रॉस। तो पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, तो आई स्क्वायर इक्वल टू ये, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एम्पीयर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद देखो कैसे करना है। देखो ये जो सोर्स वोल्टेज है, ये सोर्स वोल्टेज जो है ये वेक्टर समीशन होता है रेजिस्टेंस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस के, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इसको तुम साथ में कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब फाइव, जैसे कि अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं 5 प्लस 10 इनको साथ में देंगे। तो देखो कंसेप्ट ये होता है कि VR जो होता है, सोर्स वोल्टेज जो होता है, ये समीशन होता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे कैपेसिटर होता तो प्लस यहाँ पर VCR भी कर लेते, या तो RC होता तब भी यहाँ पर हम ये L की जगह VC कर लेते, ठीक है। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये VR इक्वल टू अंडर रूट VR का होल स्क्वायर प्लस VL का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो VR के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो करंट I इंटू टोटल रेजिस्टेंस, मतलब कि VR का मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रही है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रही है वही लेंगे यहाँ पर हम। तो VR इज टू I करंट बैरी इंटू 5 प्लस 10, तो ये 5 प्लस 10 का रूट 15 हो जाएगा। तो VR जैसे कि स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि हम कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, तो आई स्क्वायर की वैल्यू 2 एम्पीयर हमको पता चल चुका है। तो VR स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर कर दिया, मतलब VR को होल स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे भी VR ही है। तो VR को होल स्क्वायर किया गया तो आई स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। तो VR स्क्वायर की वैल्यू आई स्क्वायर जो कि 2 15 स्क्वायर इंटू 225, तो ये 450 हो गया। तो VS, अब देखो यहाँ जब मैग्नीट्यूड हमें लिखने गया, तो VS स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, तो VL स्क्वायर की वैल्यू बराबर हो जाएगी VS स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर के, ठीक है। तो अब देखो अब मैं ये क्या बताती, ये हमेशा आरएमएस क्वांटिटी होती है, हमेशा क्या होती है, आरएमएस क्वांटिटी होती है। तो जो वैल्यू दिया था 50, वो बेसिकली तुमको मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ था, क्योंकि वो एसी क्वांटिटी होती है, वो 50 sin ωt, 30 sin ωt या 100 sin ωt, तो वो जो sin ωt के जो पहले जो वैल्यू होता है वो हमेशा मैक्सिमम क्वांटिटी होता है। लेकिन ये सब जो हम एनालिसिस करते हैं, ये हमेशा हम किस में करते हैं, आरएमएस क्वांटिटी में कहते हैं। हर क्वांटिटी जो है, हर जो भी दिया है, ये सब आरएमएस क्वांटिटी में है। किसमें, आरएमएस क्वांटिटी में, ठीक है। तो आरएमएस में तो तुमको आरएमएस इक्वल टू क्या होता है, आरएमएस आई पता होगा, आरएमएस इज इक्वल टू Vm√2 के बराबर होता है, Vm√2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू तुमको दिया हुआ था, तो 50√2 कर लिया हमने, स्क्वायर स्क्वायर किया, तो VL स्क्वायर की वैल्यू बराबर आ गई 800 के। तो VL इक्वल टू I इंटू XL, ठीक है। तो दोनों तरफ फेस स्क्वायर किया, क्यों स्क्वायर किया, क्योंकि हमको I स्क्वायर पता है कैलकुलेशन आसान रखने के लिए, ठीक है। तो VL स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर इंटू XL स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो XL स्क्वायर की वैल्यू 800, क्योंकि VL स्क्वायर हमारे 800 आ चुका है, अपॉन I स्क्वायर, I स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर थी, 2 के बराबर थी, अभी भी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था आपको कि इसकी वैल्यू उसकी बराबर थी ना, 2 के बराबर थी, आई स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर थी, ठीक है। तो एल एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके किसके बराबर आ गई, 400 के इक्वल आ गई। नाउ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आईओ पता होगा। आर स्क्वायर जो तुम लोगे वो हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लोगे, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लोगे प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर की वैल्यू अभी भी ये मैं ऐसे निकाला हूँ, इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है, 400 के बराबर आई है। तो एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर आई, 25 के बराबर आ गई, ठीक है। तो जेड पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाइव टू आर वाई जेड के बराबर था, आर जो लोगे तुम इक्विवेलेंट लोगे अपॉन जेड, जेड जो कितना है 25 आया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है। बस इसमें मतलब ये आई होप ये टेस्ट सीरीज अजीब सी थी, मतलब इसमें आपको ये मेंशन करना चाहिए था कि 50 जो है वो आरएमएस क्वांटिटी है या मैक्सिमम क्वांटिटी है, ठीक है। तो जाके ऑप्शन जो है तभी मैच कर रहा है, अदरवाइज अगर तुम इसको 50 ले लोगे तो ऑप्शन शायद मैच नहीं कर रहा है, बहुत कम है, जो अभी शायद किसी ने बोला था अभी, ऐसे कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो इट शुड बी गिवन एज 50 sin ωt और इस तरह से होगा, ठीक है, जो भी क्वांटिटी होगी वो आरएमएस क्वांटिटी होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, यूट्यूब चैनल, आई विल बी मे बी एक्सप्लेनिंग ऑल द पॉसिबल डाउट्स वट एवर यू विल हैविंग, ओके। सो थैंक यू फॉर दिस।